स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 7 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में आपको बताऊंगी। ये एक्सरसाइज 7.3 से पहले है, पेज नंबर 69 पे, ठीक है। सबसे पहले आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, एक्चुअल में वो होता क्या है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, जब एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, इफ़ ऑन डिवाइडिंग द रिमाइंडर इज लेफ्ट जीरो, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है जो वो जीरो हो जाता है। तो आज उसी के टेस्ट बताऊंगी मैं आपको। डिविजिबिलिटी बाय टू, अगर टू से डिवाइड किया जाए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू, एक नंबर टू से कब डिवाइड होता है, जब एंड में जीरो आ जाए, मतलब रिमाइंडर जीरो हो जाए। इफ़ द डिजिट इन द वंस प्लेस, वंस प्लेस क्या होता है, बिगनिंग वाला, अगर वंस प्लेस की जो डिजिट है इज़ एन इवन डिजिट, वो क्या हो, इवन डिजिट। देखो अगर 412 है, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूँगी तो वो 2 से तब पूरी तरह से डिवाइड होगा। अगर 412 की जो वंस डिजिट क्या है, 12, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। वंस डिजिट क्या है, 2 क्या हो, एक इवन नंबर हो, और 2 इवन नंबर ही है, तो वो 0 ही आएगा एंड में, ठीक है। दैट इज़ इन द डिजिट इन द वंस प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8, वो हमें एग्जांपल दे रहा है कि जिस भी डिजिट की, जिस भी नंबर की वंस डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो डिजिट वो नंबर ना पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और एंड में उसका रिमाइंडर 0 ही बचता है। जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है 84 किससे डिविजिबल होता है, बाय 2, बट 95 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। आप देखो इसको ध्यान से देखना, सिर्फ इतनी सी लाइन से आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। उसने बोला फॉर एग्जाम्पल 84 इज़ डिविजिबल बाय 2, 84 में 4 देखो वंस डिजिट है, और सेकंड थिंग ध्यान से देखो 4 है वो इवन नंबर है, तो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 ही रहेगा। तो मतलब यहाँ डिविजिबिलिटी 2 पॉसिबल है, बट 95 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा 95? अब 95 में वंस डिजिट देखो, वंस डिजिट क्या है, 5, और 5 इवन नंबर नहीं है, तो 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, 2 से वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है जिसकी वंस डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अब आगे, द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ 84 इज 4, यही जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो यही आपको बता रहा है कि 84 में वंस डिजिट क्या है, 4, और वो इवन नंबर है, तो 84 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 से। सेम एज इट इज़ पढ़ो, द डिजिट इन द वंस प्लेस, यही चीज़ मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एग्जाम्पल में। वंस प्लेस में 95 है, और 95 का जो 5 है वो इवन नंबर नहीं है, मतलब वो ओड नंबर है, और ओड नंबर कौन सा नंबर होते हैं जो 2 की टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। सो 95 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 95 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 95 2 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट वन देखो, डिविजिबिलिटी बाय 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने देखना। अब अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, एक नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा, इफ़ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0, अगर उसकी वंस प्लेस की डिजिट क्या हो, 0, जैसे 10, 20, 30, 40, 10 का टेबल आप सबको आता है, ठीक है, सबसे इजी टेबल है और सबको आता है। जिस कोई नंबर 10 से तभी कम्प्लीटली डिवाइड होगा अगर उस डिजिट का वंस प्लेस, जो वंस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। फॉर एग्जाम्पल 160 10 से कम्प्लीटली डिवाइड है, क्यों डिवाइड है, क्योंकि 160 में जो वंस डिजिट क्या है, 0, तो इसलिए डिवाइड है। लेकिन अगर 601 ले लूँ मैं 160 की जगह, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने क्या बताया था, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 तभी अप्लाई होगा जब 10 का टेबल तभी पूरी तरह से उसको डिवाइड करेगा किसी नंबर को, अगर उस नंबर के एंड में 0 हो। लेकिन 601 के एंड में 0 नहीं बल्कि 1 है, तो ये 10 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। द डिजिट इन द वन, देखो जो मैं आपको एग्जांपल से समझा चुकी हूँ वही आगे एक्सप्लेन कर रहा है। द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ 160 इज 0, वो कह रहा है 160 में जो वंस प्लेस की डिजिट है वो 0 है, तो इसलिए वो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड है। लेकिन जो 601 है उसमें वंस डिजिट 1 है, तो वो 01 है, और हमें क्या चाहिए थी, 0, इसलिए 601 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 10 से। नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 5,
फाइव से कैसे डिविजिबिलिटी देखोगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव, एक नंबर फाइव से कब डिविजिबल होगा? इफ़ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज आइदर फाइव और जीरो, या तो फाइव हो या जीरो हो। एक नंबर फाइव से तभी कंप्लीटली डिवाइड होगा या तो उसकी वंस प्लेस या तो फाइव हो या जीरो। फॉर एग्जाम्पल 65 एंड 140 आर डिविजिबल बाय फाइव। 65 एंड 140 डिविजिबल बाय 5 क्यों है? क्योंकि एक तो 5 है और एक 0 है। देखो 65 का वंस प्लेस क्या है? 5, और 140 का वंस प्लेस क्या है? 0। तो दोनों ही आ गए, तो ये 5 से डिवाइड है। लेकिन अगर 93 ले लूँ मैं, 93 में वंस प्लेस क्या है? 93 में वंस प्लेस क्या है? 93 में वंस प्लेस क्या है हमारा? 3। तो 3 ना तो 0 है ना 5 है, तो 3 है, तो इसलिए ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 से यही कंक्लूज़न निकल रहा है आपको कि या तो 0 हो एंड में या 5 हो, तभी पॉसिबल है कि 5 से वो डिजिट पूरी तरह से डिवाइड हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एक नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एक डिजिट से, एक डिजिट कब डिविजिबिलिटी बाय 3 से? तब रूल फॉलो होगा, मतलब अप्लाई होगा, अगर जो सम होगा डिजिट का, टोटल सम देखना है, वो 3 का मल्टीपल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स आपको अच्छे से क्लियर होगा। 198 में हमने ये नहीं देखना कि एंड में कौन सी डिजिट आ रही है, हमने ये देखना है 198 का सम करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल 198 है इज डिविजिबल बाय 3, बट 2342 नहीं है डिविजिबल। क्यों नहीं है? अब ये एक्सप्लेन कर रहा है। देखो 198 का सम करना है, 1 प्लस 9 प्लस 8 को आप अगर प्लस करोगे तो आंसर आएगा 18, और 18 3 के टेबल में आता है, तो इसीलिए 3 से डिविजिबल है। लेकिन 2, 3, 4, 2 अगर मैं इनको प्लस करूँ, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2, तो इक्वल आता है 11। मतलब इनका क्या आता है प्लस करके सम? 11, और 11 3 के टेबल पे तो आता ही नहीं। तो डिविजिबिलिटी 3 का रूल तब अप्लाई होता है जब हम किसी भी नंबर का सम करें और वो 3 का मल्टीपल निकल आए, मीन्स वो 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा हो। जैसे 198 को प्लस करा, 18 आया, वो 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो ये डिविजिबिलिटी 3 का रूल यहाँ अप्लाई होगा। बट अगर जिसका सम 3 के टेबल के मल्टीपल के इक्वल नहीं आता, तो वहाँ डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं होगा, वो भी 3 वाला। फिफ्थ वन इज़ डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 में क्या होगा? अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6। एक नंबर 2 से और 3 से अगर दोनों से डिवाइड हो रहा हो, तो 6 से भी ज़रूर डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 14,286, ये डिवाइड हो रहा है 2 से, क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 6। ठीक है, और अगर हमें सम करूँ इसका तो 21 आ रहा है, और जो कि देखो 2 में तो हमें देखना होता है कि वंस और यूनिट, मतलब वंस डिजिट हमारी क्या हो? इवन नंबर। देख ली 6 है तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 में तो हम इनका प्लस कर देखते हैं। 3 में हम क्या करके देखते हैं? प्लस। 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6 को अगर मैंने प्लस करा तो क्या है? 21। क्या आया? 21, जो कि 3 के टेबल में 21 आता है। तो मतलब ये 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 2 और 3 से डिवाइड है, तो मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से पढ़ना, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम होगी, 7.3 नहीं कर पाओगे। डिविजिबिलिटी बाय 9, 6 एंड लास्ट वन इज़ डिविजिबिलिटी बाय 9 में क्या होगा? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक नंबर 9 से कैसे डिविजिबल होगा? इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। देखो 3 और 9 का ध्यान से सुनो, 3 में भी यही कंसेप्ट है और 9 में भी। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा? इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर उसकी डिजिट का सम क्या हो? 9 से डिविजिबल हो। जैसे एग्जाम्पल 6 प्लस 666 है, अगर मैं इनको, ये 9 से तब डिविजिबल होगा। कैसे होगा? अगर ये 6 प्लस 6 प्लस 6 क्या बन गया? 18। 6 प्लस 6 प्लस 6 क्या हो गया? 18। 18 9 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 9 2 18, तो मीन्स ये 9 से भी डिविजिबल है। यहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई हुआ है, आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।